हाई फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल ऑफ यू बीवी गुड दिस इजागृति सो फ्रेंड्स टू डे वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ द स्किन सो स्किन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट uh, जो स्किन की लेयर होती हैं वो बेसिकली थ्री एपिडर्मिजर्मिस एंड हैपोडर्मिज सो so, इन थ्री लेयर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में जानेंगे सो लेट्स स्टार्ट द स्किन फ्रेंड्स जो स्किन होता है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है एंड इट्स सरफेस एरिया जो इसकी सरफेस एरिया होती है वो टू एम एम टू एम एम इसकी थिकनेस होती है स्किन की एंड ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्किन सो स्किन का स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं द स्किन कॉन्टेंस क्लान्स नेल्स एंड हेयर इट इज़ इट हैज थ्री मेन पार्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में जो स्किन के मेन पार्ट्स होते हैं वो थ्री होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एपीडमिस डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस जो स्किन की लेयर होती हैं वो बेसिकली थ्री होती हैं एपीडमिस डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस एंड एंड जो स्किन होता है ग्लैंड्स को नेल्स को एंड हेयर को कंटेन करता है नेक्स्ट इज फर्स्ट जो हमारी लेयर आती है सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस इसके बारे में जानते हैं सो हेयर यू कैन सी एपिडर्मिस इट इज अ सुपरफिशियल स्किन सो द स्किन द एपिडर्मिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर जो स्किन होती है ये एपिडर्मिस स्किन होती है एपिडर्मिस कैसी होती है सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन की सुपरफिशियल लेयर होती है जो बनी हुई होती है स्टैटिफाई कॉलमनर एपिथेलियम से मिल करके बनी हुई होती है एंड इट इज़ अ थिकनेस ऑन द पॉम एंड सोल्स ऑफ द फिट इसकी जो थिकनेस होती है यानी कि जो इसकी मोटाई होती है वो सबसे ज़्यादा जो थिकनेस होती है वो पॉम में यानी हमारी हथेली में एंड सोल ऑफ द फिट यानी कि पैरों के तलबों के तलबों में इसकी मोस्टली थिकनेस पाई जाती है नेक्स्ट इज़ देयर आर नो ब्लड वेसल्स फ्रेंड्स जो सुपरफिशियल लेयर होती है मीन्स ऐपीडर्मिस जो लेयर होती है इसमें ब्लड वेसल्स नर्व इंडिंग नहीं होती हैं इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व विडिंग प्रजेंट नहीं होती हैं नेक्स्ट इज दीस लेर इज़ फर्दर कंपोज ऑफ फाइव लेयर जो ऐपीडर्मिस लेयर होती है मीन्स सुपरफिशियल लेयर ये फाइव लेयर से मिल करके बनी हुई होती है फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटम कोरियम एंड सेकेंड इज स्ट्रैटम ल्यूशीडियम एंड थर्ड इज स्ट्रैटम गैनुलसम एंड फोर्थ इज स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड फिफ्थ इज स्ट्रैटम पैशल नेक्स्ट जो हेयर सिक्रेशन होता है वो सबकेस क्लैंड से होता है एंड सपोज दैट सबकेस क्लैंड से हेयर सिक्रेशन होता है उसके बाद जो होता है वो सैट ग्लैंड में जाता है एंड स्वाइट ग्लैंड पास थ्रू द एपिडर्मिस फिर एपिडर्मिस में पास होता है उसके बाद एपिडर्मिस की सरफेस पे जाके हो जाता है तो हेयर सिक्रीशन जो है वो सबके से होता हुआ स्वेट uh, ग्लैंड से पास स्वाइट ग्रैंड के थ्रू पास करता हुआ एपिडर्मिस के सरफेस तक पहुंचता है नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट द स्किन ये स्किन को प्रोटेक्ट करती है एपिडर्मिस जो होती है एंड ये जो भी हार्मफुल इफेक्ट होता है यानी कि जो सनलाइट के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो सनलाइट की हार्मफुल रेज होती हैं तो स्किन जो होता है इससे प्रोडक्ट करती है नेक्स्ट इज डर्मिस डर्मिस इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन सो इसके बारे में जानते हैं इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिशू ये कनेक्टिव टिशू को कंसिस्ट करती है सेकेंड पॉइंट दिस इज़ कंपोज ऑफ कॉलेजियस इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर फ्रेंड्स जो डर्मिस uh, लेयर होती है हमारी यानी कि सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन ये कॉलेजियस इलास्टिक एंड रेटिकुलर फ़ाइबर से मिल करके बनी हुई होती है नेक्स्ट इज कॉलेजियस फाइबर्स आर वेरी थिक दे प्रोवाइड टफनेस ऑफ स्किन कॉलेजियस फाइबर्स जो होते हैं बहुत ही थिक होते हैं एंड स्किन को टफनेस प्रोवाइड करते हैं यानी कि मीन्स हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट इज रैपचोर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स जब इलास्टिक फाइबर्स रेप्चोर होते हैं अकर वन द स्किन इज़ ओवर स्ट्रेच तब स्किन जो होती है ओवर स्ट्रेच हो जाती है इसमें जो यानी कि जो मीन्स जो खिंचाव होता है वो ओवर हो जाता है नेक्स्ट इज रिजल्टिंग जब हमारी स्किन ओवर स्ट्रेच हो जाती है यानी कि खिंचाव जब ज़्यादा हो जाता है तो इसका रिजल्ट जो होता है ये परमानेंटली यानी कि परमानेंटली स्ट्रेच स्ट्रेच बन जाते हैं यानी कि जो हमारी स्ट्रेचेस पड़ जाते हैं जब स्किन ओवर स्ट्रेच हो जाती है तो परमानेंटली बॉडी में स्ट्रेस मार्क्स पड़ जाते हैं एंड ये ज़्यादातर तो जो होता है प्रेगनेंसी में एंड ओबीसीटी में होता है ये ओविसिटी में जो ज़्यादा ओबीज यानी कि जो मोटे पर्सेंट होते हैं उनमें होता है नेक्स्ट इज कॉलेजियस फाइबर्स ब्लाइंड वाटर एंड गिव द स्किन इट्स ट्रेंसिल्स वर्ट दिस एविली डिक्लाइन एज एंड ब्रिंकल डेवलपमेंट फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं डर्मिस इज कम्पोस्ट ऑफ़ टू लेयर्स डर्मिस जो होती हैं वो टू लेयर्स से मिलकर के बनी हुई होती है हमारी जो डर्मिस लेयर है यानी कि सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन ये टू लेयर से मिलकर के बनी होती है फर्स्ट इज पैपलेर लेयर एंड सेकेंड इज रेटिकुलर लेयर सो फर्स्ट अब हम देखते हैं थर्ड लेयर ऑफ द स्किन हाइपोडर्मिस फ्रेंड्स हाइपोडर्मिस जो होता है इसे हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं सब सबक्यूटेनियस लेयर इसको हम हाइपोडर्मिस या मीस बोल सकते हैं सबक्यूटेनियस लेयर एंड इट इज कम्पोज ऑफ लूज फाइबरस कनेक्टिव टिशू हाइपोडर्मिस जो होती है वो लूज फाइबरस कनेक्टिव टिशू से मिलकर के बनी हुई होती है थर्ड इज दिस इज मस्ट थिकर देन डर्मिस ये हाइपोडर्मिस जो होती है ये थिक होती है देन डर्मिस यानी कि डर्मिस के कंपैरिजन में जो हाइपोडर्मिस होती है वो ज़्यादा थिक होती है नेक्स्ट इज इट इज़ रिच इन लिम्फेटिक बेसल्स ब्लड बेसल्स एंड नर्व्स फ्रेंड्स जो हाइपोडर्मिस होती है इनमें लिम्फेटिक बेसल्स और ब्लड बेसल्स एंड नर्व्स पाए जाते हैं नेक्स्ट इज डेरीवेटिव्स ऑफ स्किन ग्लैंड जो स्किन की ग्लैंड हैं इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वेट ग्लैंड स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वो नंबर में टू होती हैं फर्स्ट इज एक्लाइन और स्मॉल स्वेट ग्लैंड सो फ्रेंड्स एक होती है दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नीयरली इंटायर बॉडी सर्फेस जो हमारी बॉडी के इंटायर सर्फिस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है नेक्स्ट इज दिस ग्लैंड सिक्रीट स्वेट ये ग्लैंड जो होती है वो स्वेट को सिक्रीट करती है इस प्रोसेस को कहते हैं प्रस्पायरेशन कहते हैं जो स्वेट सिक्रीट होता है इस प्रोसेस को प्रस्पायरेशन कहते हैं जब एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी से स्वेट सिक्रीट होने लगता है स्वेट जो सिक्रीट होता है वो किस ग्लैंड से स्वेट ग्लैंड से सो so, ये जब स्वेट सिक्रीट होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं प्रस्पायरेशन एंड नेक्स्ट इज एपोक्राइन ग्लैंड और एडिफेरस एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है फ्रेंड्स दिस ग्लैंड आर सिचुएटेड मोर डीपली देन एक्राइन जो एक्राइन ग्लैंड हम लोगों ने बैक साइड पढ़ा है एक्राइन ग्लैंड के डीपली प्रेजेंट होती है ग्लैंड इसे हम एडिफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं नेक्स्ट इज एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एक्टिव होती एक्टिव हो जाती है जब पुवर्टी होती है हमारा एक ह्यूमन की जब पोवर्टी ये जाती है तो एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है एक्टिव हो जाती है एंड सबकेस ग्लैंड अब वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ सबकेस एंड इसको बोल सकते हैं ऑयल ग्लैंड इसके बारे में जानते हैं सबकेस फ्रेंड्स जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक एंडक्राइन ग्लैंड होती है यानी कि सबकेस क्लैंड को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं सो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है स्किन की दैट ओपेंस इंटू अ हेयर फॉलिकल्स टू सीक्रेट ऑयली एंड बैक्सी मैटर कॉल इसमें एक बैक्सी मैटर जो यानी कि बैक्सी मैटर एक लाइक अ बैक्स बैक्सी मैटर होता है जिसे क्या बोलते हैं जिसे शिबम बोलते हैं जो कि हमारे हेयर के जो ओपनिंग होती है वहाँ पे वहाँ पे वो एक्मलेट हो जाता है नेक्स्ट सीबम इज अ सेमी फ्लूड सबिस्टेंस सीबम जो होता है वो सीमी सीमी फ्लूड होता है लाइक सीमीलैक्सटेंस -like होता है कम्पोज ऑफ लिपिस्ट जो कलपिट से मिल करके बना हुआ होता है फंक्शंस ऑफ ऑयल ग्लैंड नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑयल ग्लैंड सो फर्स्ट शिबम फंक्शन एज अ वेरियर शिवम जो होता है एक वेरियर की तरह वर्क करता है एंड प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया एंड फंगी से प्रोडक्ट करता है नेक्स्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज लुब्रिकेट एंड प्रोडक्टिंग जो मेन फंक्शन होता है इन ग्लैंड्स का यानी कि सबके ग्लैंड का जो मेन फंक्शन होता है वो लुब्रिकेशन देना प्रोवाइड करना एंड प्रोटेक्शन देना सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो